जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे चैत्र मास शुक्ल पक्ष वर्ष 2024 में एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है, तो जानेंगे एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, पारण कब किया जाएगा, किस चीज से किया जाएगा, इस व्रत में विशेष करके भगवान विष्णु को क्या भोग लगाए, तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में भगवान विष्णु की जय जरूर लिखें। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जिसे कि कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। यह व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है, और इस व्रत का पुण्य किसी के निमित्त व्रत धारण करके उन्हें इसका पुण्य अर्पण किया जाए तो उनके भी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को धारण करने से जो कि वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है तथा भूत पिशाच तत्व आदि से मुक्ति की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत जो कि भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। इसे एकादशी और ग्यारस व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है तथा यह पुण्य को प्रदान करने वाली है। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्य उदित हो पाते हैं, उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो आइए जानते हैं कामदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त पारण समय के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 18 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार शाम 5:33 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 19 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार रात्रि 8:06 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो हमें शुद्ध रूप से एकादशी व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 19 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को सभी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करेंगे। दसवें दिन के नियम का पालन जो कि 18 अप्रैल को किया जाएगा, 19 अप्रैल को व्रत धारण किया जाएगा और 20 अप्रैल को व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है, तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 20 अप्रैल दिन शनिवार को रात्रि 10:43 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो व्रत का पारण जो किया जाएगा 20 अप्रैल को पारण का समय सुबह 5:50 से सुबह 8:26 तक व्रत का पारण किया जाएगा। कामदा एकादशी व्रत का पारण जो कि गो घृतेन पारणम यानी कि गौ घृत से इस व्रत का पारण किया जाएगा। अगर यह संभव ना हो पाए तो आप जल फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 5:31 और सूर्यास्त शाम 6:22। राहु काल का जो समय होगा 19 अप्रैल को वह समय सुबह 10:20 से सुबह 11:57 तक और 20 अप्रैल को जो कि राहु काल का समय सुबह 8:44 से सुबह 10:20 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए या लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 4:23 से सुबह 5:07 तक होगा। एकादशी तिथि के दिन नक्षत्र जो कि मघा नक्षत्र सुबह 10:57 तक होगा। उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र योग जो कि वृद्धि योग होगा रात्रि 1:45 तक। उसके बाद ध्रुव योग होगा। इस दिन रवि योग भी बन रहा है एकादशी तिथि के दिन जो कि सुबह 5:51 से सुबह 10:57 तक रवि योग होगा। जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें दसवीं के दिन से ही
व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए। दशमी की रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते हुए एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान कर लेना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं कामदा एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहनी चाहिए और एकादशी तिथि के दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करें। फलों में जो कि केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए और इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। विशेष करके भगवान विष्णु को जो कि ऋतु फल अर्पित करनी चाहिए। अभी गर्मी के मौसम में जो भी फल प्राप्त हो रहे हों, भगवान विष्णु को अर्पित करें और इस दिन भगवान विष्णु को जो कि दो लवंग लेकर के अवश्य ही चढ़ाना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु का जो कि गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय होता है, तो इन्हें तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करें। भगवान को पूजन में चढ़ाना चाहिए और जब भी नैवेद्य का भोग लगाते हैं तो उसमें भी तुलसी दल डाल करके ही भगवान विष्णु को भोग लगानी चाहिए। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। अक्षत के जगह उन्हें काले तिल अर्पित करने चाहिए। इस प्रकार से एकादशी के दिन भगवान का पूजन करके रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। द्वादशी तिथि की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर लेनी चाहिए, आरती कर लेनी चाहिए। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए, गरीबों को भोजन करवाना चाहिए और समय के अनुसार फिर व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं तथा वाजपेय यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। व्रत के दौरान व्रति को जो कि किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दशमी और एकादशी तिथि के दिन चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। अपना मन भगवान विष्णु के चरणों में लगानी चाहिए। व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि भगवान के नाम मंत्र का जप करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।